साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 15 फरवरी के दिन जो है आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में हिंदी का 100% वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, सीधे जो है प्यारे बच्चों यही पेपर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यही पेपर में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिए और एक क्वेश्चन को रख लीजिए। प्यारे बच्चों अभी कैसे वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको बताने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए बराबर से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पर देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए कि हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर उसी पेशे में बंद रह जाता है। वह जो ना पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे जो ना अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत जो ना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि आपकी दृष्टि में जो ना विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो देखिए उत्तर होगा कि हम लोगों के नजर में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि लेखक का कहना है कि बुराई का अंत होता है उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है जब मदन जो ना आवारागर्द छोकरों के साथ जो ना लट्टू नचा रहा था, उसी दौरान खोखा आकर जो ना खोखा कहता है कि लट्टू भी हम ही खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा जो ना मना कर दिया गया तो चार घुसा खोखा को जमा देता है। उसके बाद जो ना मदन ने कासू के भी दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन होगा। तो इस प्रकार से प्रॉपर इसका उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल मैं इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आपको जो है ना देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन है कि लेखक मैक्समुलर की दृष्टि से जो है ना सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो देखिए उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निर्हित भारतीय ग्रामीणों लोगों में सच्चाई प्रेम करुणा सहयोग की भावना कूट कर बड़ा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। गाँव की अपेक्षा शहर ज्यादा प्रदूषित होते हैं और शहरों में सिर्फ लोग अपने मतलब रखते हैं, शहरी लोगों में सहयोग की भावना नहीं होते हैं, अतः लेखक का कहना बिल्कुल जो है ना उचित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चार नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का धैर्य गांधी जी क्यों मानते हैं। तो देखिए उत्तर होगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण को प्रकट किया जाता है। जो ना पढ़ना, जो देखिएगा प्यारे बच्चों, पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को जो ना कोई उपयोग जो ना दस्ताकारी दिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी जो ना तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे जो ना उत्पन्न काम करने का योग बना दिया जाए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है पांच नंबर की, देखिएगा प्यारे बच्चों, शानदार लबादा किसका जो ना गिर आएगा और क्यों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ के आधार पर उचित करिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि कवि के अनुसार भगवत महिमा पाठ की जो है ना आस्था में निहित भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब जो है ना भक्ति रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का जो है ना लबादार अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए छह नंबर बोला जा रहा है कि कवि जीवनानंद दास जो है ना अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों जो ना संदेह करता है, इसका कारण स्पष्ट करें। तो चलिए उत्तर होगा, भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीवों की जो ना 84 लाख योनियों में और मनुष्य योनि अच्छे कर्मों के बाद केवल एक बार ही मिलता है, इसलिए कभी अगले जन्म में जो ना मनुष्य होने पर संदेह करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। तो उत्तर होगा, सीखने
के क्रम में बार बार प्रयास करने पर जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतमक प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी उपस्थिति उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो। अगली क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला जा रहा है 8 नंबर की भारत माता शीर्षक कविता में कवि जो है ना भारतवासियों का कैसा चित्र जो है ना खींचता है। तो देखिए उत्तर होगा कि प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का जो ना प्यारे बच्चों सभी देख लीजिएगा सजीवात्मक रूप प्रदर्शित किया है और कहा है कि गाँव में बसने वाले भारत आज धूल जो ना धूड़ शश से अमाला ना हो रहकर जो ना उदासीन बन गई है। आज भारत माता का आंचल जो ना मैला हो गया है, गंगा यमुना के जल जो ना प्रदूषित हो गए हैं, आज भारत माता मिट्टी का एक उदासीनी प्रतिमा जैसी हो गई हो। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी जो ना पारिवारिक जो ना परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करें। तो उत्तर होगा कि लक्ष्मी धाते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्र है, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर परिवार नहीं चलता है तो तालिशदाल साहब के घर जो है ना छोटे मोटे काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। लक्ष्मी के पास छोटा सा झोपड़ी नुमा घर है जो बांस एवं पुआल से बना हुआ है। लक्ष्मी के 4 संतानें हैं जिसमें 2 बेटे एवं 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा जो ना छोड़ा गया 1 बीघा जमीन खेत है, किसी तरह जो है ना लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई, वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए तो कहीं धान भी सूख गए। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न 10 नंबर की मंगम्मा की बहू मंगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आंसर होगा एक दिन बहू ने किसी बात पर जो ना पोते को पीट दिया, इस पर मंगम्मा ने कहा कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस पर बहू ने मंगम्मा को जो ना खरी खोटी सुना दी, इस बात को लेकर के मंगम्मा बहू के साथ जो ना विवाद होगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, देवनागरी लिपि में कौन सी जो है ना भाषाएं लिखी जाती है। तो उत्तर होगा कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, देवनागरी लिपि, मराठी, मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है जो भारत के जो है ना संपूर्ण क्षेत्र में यह लिपि फैली हुई है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न बताया है इसमें ना प्यारे बच्चों आपसे 10 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से 5 ही बनाना होता है। तो ये 10 प्रश्न पूछा गया था, इसको टाइप कर दिया गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये प्रश्न इसमें से 5 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपसे ना 5 मार्क्स में भी प्रश्न पूछा जाता है जो कि लगभग प्यारे बच्चों 6 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से आपको कितना बनाना होता है, 3 प्रश्न बनाना होता है। 3 प्रश्न के लिए मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, तो 11 का बता दिया। अब चलिए 12 नंबर प्रश्नों का ना उत्तर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहादुर के जो ना चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो उत्तर होगा बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर के घर सभी कार्य जो ना कुशलतापूर्वक करता था, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था, किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे, वह घर के सभी कार्य से मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था, दांत फटकार के बावजूद काम करते रहता था, सब यही कारणों से जो है ना उसके चले जाने पर सबको जो ना पछतावा होता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो। तो देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न की राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य जो है ना अधिक अस्थायी कैसे है, परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के अनुसार बताइए। तो आंसर होगा लेखक कहते हैं कि साहित्य के जो है ना मूल्य राजनीतिक मूल्यों की उपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसी पुष्टि में जो ना अंग्रेज जो ना कवि द्वारा लैटिन कवि वर्जित पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है पर वर्जित काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें जो ना आज सुनाई देती है, हृदय को आनंद विहलल कर देती है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा तब जो ना शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे। उनका जो ना प्रकाश पहले की उपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं पर इस पर साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 14 नंबर की अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो उत्तर होगा बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उस समय विवाह करना जो ना महाराज अपनी सबसे बड़ी गलती मानते थे, लेकिन बापू जी की मृत्यु के बाद माँ ने जो ना घबरा कर जल्दी जल्दी में शादी कर दी। शादी को अपने जीवन में जो ना नुकसान देह मान
सुनते हैं विवाह की जो वजह से ही महाराज नौकरी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर है, कभी गुरु नानक किसके बिना जो ना जगत को यह जगत जो ना जन्म से व्यर्थ मानते हैं। तो देखिए जो ना कभी गुरु राम नाम के बिना जो ना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, राम नाम के बिना जो ना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष के योग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कभी रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। तो उत्तर होगा कि कवि कृष्ण और जो ना कवि ने कृष्ण राधा के प्रेम में जो ना मन मुग्ध हो जाते हैं, उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णता उस युगल में रहता है, उस युगल में रम रहता है, उन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। चित राधा कृष्ण के जो ना युगल जोड़ी में लग चुका है, अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चिंतित रहती है हो गई है, इसलिए चित्र जो ना हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। उनकी मोहिनी मूर्त मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी जो है ना अपनी सुख भी खो बैठते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे यहाँ पर 17 में बोला जा रहा है कि प्रज्वलित क्षण की जो है ना दोपहरी से कभी क्या जो है ना आशा है। तो देखिए उत्तर होगा हिरोशिमा में जो है ना जब बम का प्रहार हुआ तो प्रखंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चारों तरफ फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग जो ना हतप्रभ हो रह गए। उन्होंने सोचने पर जो ना उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला, उन्होंने ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज क्षण एक ही उपस्थिति हो गया। बम से जो ना प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का हृदय प्रस्तुत कर दिया जिसे कवि द्वारा जो ना प्रज्वलित क्षण दोपहली कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर चलिए कुछ और क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं ताकि आप आराम से जो ना एग्जाम में सारे प्रश्नों को बना लोगे। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, कभी रैनन मारिया लिख के किसको सुख देते हैं। तो देखिए कभी कहते हैं कि जो ना भक्त भगवान की कृपा दृष्टि की जो ना सस्या है। कभी कहते हैं कि नरम कपोलों पर जब जो है ना भगवान की जो ना कृपा दृष्टि विश्वास लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अर्थात भगवान जो है ना भक्त भगवान का कृष्ण जो ना कृपा पात्र होता है और भक्ति रूपी पात्र से जो है ना भगवान भी सुखी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम ना यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना प्यारे बच्चों तो जल्दी से ना करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि प्यारे बच्चों हम लोग जैसे ही नेक्स्ट जो आपका पेपर प्यारे बच्चों होने वाला है उसका हम लोग जैसे ही वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाओगे। और प्यारे बच्चों आपको ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, और प्यारे बच्चों सेकंड सेटिंग का भी पेपर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल उसका भी वीडियो ला लूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।